मौसमी, मैं पॉलिटिक्स से शुरुआत करना चाहती हूँ। जो राष्ट्रपति का भोज है, जिसके लिए अलग अलग प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को न्योता गया है, कई और नेताओं को भी गया है, पर मल्लिकार्जुन खड़गे को विपक्ष का नेता होने के बावजूद वो न्योता नहीं गया है, कैसे देख रही है कांग्रेस इसको? बिल्कुल, देखिए श्वेता, काफी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि राष्ट्रपति का रात्रि भोज है। तो जैसे कि नीतीश कुमार है, ममता बैनर्जी है, एमके स्टालिन, इन्होंने हामी भरी है। सुखू साहब जो है कांग्रेस के हिमाचल के मुख्यमंत्री पहुंच सकते हैं, पर बाकी मुख्यमंत्री नहीं आ रहे हैं। इसमें महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या आपने, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के लीडर है ऑफ अपोजिशन है राज्यसभा में, उनको न्योता नहीं गया। हम लोग 2-3 दिन से पूछने की कोशिश कर रहे थे कि न्योता गया नहीं है या जाएंगे नहीं, क्योंकि अक्सर बायकॉट हुआ है। 15 अगस्त को भी हुआ था, 15 अगस्त को भी वो मौजूद नहीं रहते, पर यहाँ पे न्योता नहीं गया है। और उसमें ये बताया जा रहा है कि कोई भी विपक्षी पार्टी के नेता को इस तरह से न्योता नहीं गया है, जो भी संवैधानिक पद पर इस तरह से। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस हायतौबा इसलिए मचा रही है, कैबिनेट रैंकिंग है और आप लोकतंत्र मदर ऑफ डेमोक्रेसी कह रहे हैं भारत को, तो फिर आप उसका जश्न मना रहे हैं तो आप शामिल नहीं कर रहे हैं। तो सियासत अपनी जगह है, पर ये मुझे लगता है कि ये वो मौका नहीं है कि जब इस पर अनफॉर्चुनेटली सियासत हो। अच्छी बात ये भी है मौसमी कि ये सारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री आ रहे हैं और सबने हामी भी भरी है, वो सब जो आ रहे हैं उन प्रदेशों में, उन राज्यों में G20 की किसी न किसी बैठक का आयोजन किया गया है। सारे राज्य, चाहे वो किसी भी पार्टी से गवर्न क्यों ना हो, उनकी भागीदारी रही है G20 में। बहुत अहम बात आपने कही, आपने जिक्र किया था कि हर्ष श्रृंगला और अमिताभ कांत प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी हो रही है बाकायदा, उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि कोई और देश होता है तो वो अपने एक शहर में G20 का पूरा अध्यक्षता हो या कार्यक्रम सीमित रखता है। भारत एकमात्र एक ऐसी नई पहल जहां पे आप 60 शहरों में आपने G20 के कार्यक्रम किए, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक किए, और यही नहीं, प्रधानमंत्री ने कहा था G20 को पैन इंडिया ले जाओ। तो श्रृंगला साहब ने कहा कि आप ये देखिए कि यूनिवर्सिटी कनेक्ट से लेके नागरिकों को शामिल करना, लाखों नागरिक G20 से जुड़े, तो एक जन भागीदारी जो है वो भी यहाँ पे श्वेता क्लियरली नजर आई। और यही वजह है कि मैंने जैसे आपको कहा कि ये बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है भारत के लिए, ग्राउंड जीरो पर G20 को ले जाना। और उसके बाद आप देखिए जो गोल्स है प्रधानमंत्री ने जो गोल सेट किए हैं, उसमें भी आप डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, आप सस्टेनेबल ग्रोथ की बात करते हैं, आप बायोफ्यूल्स की बात करते हैं, तो भारत नए विचारों के साथ अंतर्राष्ट्रीय जगत को अपनी छवि दिखा रहा है और नई एक विजन है भारत के पास जो सामने रख रहा है। और यहीं पे जो आप जिक्र कर रही थी कि जैसे यहाँ पे जो क्राफ्ट बाजार है वो भी उसका नमूना है कि आप देख रहे हैं कि UPI ट्रांजैक्शन से लेके डिजिटल जो ट्रांसफॉर्मेशन है उस पर की फोकस है। कॉटेज इंडस्ट्रीज भी हैं, तो वो ऐसी नहीं है कि लॉस मेकिंग है, वो आपके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को और मजबूत कर रही हैं। उस तरीके से G20 मुझे लगता है कहीं ना कहीं भारत की अध्यक्षता इस बात का प्रमाण होगी कि सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज नहीं, डेवलपिंग नेशंस भी दुनिया को एक विजन दिखा सकते हैं। वाकई प्रधानमंत्री ने शुरुआत से ही भारत की जब कूटनीति की बात की है तो उस ग्लोबल साउथ की बात की है। अब ग्लोबल साउथ किसी नक्शे पर दक्षिण का हिस्सा नहीं है, बल्कि वो देश है जो अब तक अगर समूचे विश्व की बात हम करें तो उस दौड़ में कहीं पीछे रह जाते हैं। उनकी आवाज हिंदुस्तान किस तरीके से बन रहा है उसका भी नमूना ये G20 होने वाला है, और इसका भी जिक्र अमिताभ कांत ने आज अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है। अब आज तक पे हम आपको लगातार ये कह रहे हैं कि हम केवल भारत सरकार की मेजबानी के तौर पर नहीं देख रहे हैं, ये भारत की मेजबानी है। भारत की मेजबानी होने के नाते हर भारतीय की जिम्मेदारी हो जाती है, और इसीलिए आज तक की जो जिम्मेदारी है वो हम निभा रहे हैं, वो मेजबानी कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पर ये जो भारत मंडपम पर हमने स्टूडियो अपना ये बनाया है, इसमें हमारा छोटा सा प्रोडक्शन कंट्रोल रूम है जिसके जरिए हम अलग अलग कैमरे आपको यहीं से सोर्स करके दे रहे हैं। जो प्रोडक्शन कंट्रोल रूम होता है उसके जरिए आप अलग अलग सोर्स को एक साथ मिलाकर, यानी मौसमी का कैमरा, मेरा कैमरा हो गया, एक और कैमरा भी, और गेस्ट भी हम रख सकते हैं जो मंडपम
मंडपम की तस्वीर आप देखेंगे, वो मंडपम की तस्वीर भी हम आपको यहीं से रूट करके दिखा रहे हैं जहां पर ये सारी बैठक चल रही है। सैनिटाइज तो ऐसा है ये इलाका कि कोई भीतर दाखिल हो ही नहीं सकता है जो कि अनाधिकृत हो। मौसमी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे सेवरल लेयर्स हैं, कई लेयर्स हैं सिक्योरिटी के, कई तीन टायर की सिक्योरिटी है यहाँ पे। और जैसा कि आपने कहा, मतलब आज तक की सबसे बड़ी टीम है। मतलब हम जब पास कलेक्ट करने जा रहे थे तो इतने पास दर्जनों मतलब कि काफी भारी हो गया था, वजनदार हो गया था। तो और वजन इसलिए भी है क्योंकि G20 का वजन है, भारत का वजन है। और आज तक भारत की इस महत्वपूर्ण क्षण में आपको हर एक रिपोर्ट दे रहा है। ग्राउंड जीरो से हमने दिखाया था कि इस तरह से यहाँ क्राफ्ट बाजार है। जिक्र इस बात का भी हो रहा था श्वेता कि सिर्फ क्राफ्ट नहीं बल्कि यहाँ पे जो कल्चर है उसकी भी बाजार है। म्यूजिक जो भारत का की आर्ट है, फोक आर्टिस्ट, क्लासिकल आर्टिस्ट, उनको बुलाया गया है। एक मिश्रण जो है सामने रखा जाएगा उसका भी, तो एक तरीके से जो सॉफ्ट पावर है उसकी भी छवि रखी जाएगी। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है श्वेता कि ये बोला गया है अमिताभ कांत की साहब की तरफ से कि जो एक ड्राफ्ट डिक्लेरेशन है जिस पर सबकी नजरें हैं कि चीन नहीं आया, रशिया नहीं आया, तो भारत फेल होगा कि पास होगा, क्योंकि आपकी अध्यक्षता है, क्या ऐसा हो सकता है कि डिक्लेरेशन ही नहीं हो। उस पे उन्होंने बोला है कि एक खाका बिल्कुल तैयार है और लीडर्स की सहमति उस पर भरनी है और उस पे मोहर लगेगी। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये वो टाइम होगा जब आप जटिल जियोपॉलिटिक्स के मुद्दों को भी बैलेंस करेंगे और यहाँ पे आप जो हैव नॉट्स है या जो इमर्जिंग इकोनॉमीज है, 55 देशों का भी प्रतिनिधित्व करते हुए, नेतृत्व करते हुए आप AU की बात करेंगे, तो अपने आप में प्रधानमंत्री की जो लीडरशिप है, प्रेसिडेंसी इंडिया की है, उसको भी दर्शाएगा। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, क्या सच है क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे, सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा, हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी। तमाम खबरों को देखने के लिए, पढ़ने के लिए aajtak.in पर जरूर जाएं। और अब आप आज तक के ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करें आज तक मोबाइल ऐप। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, क्या सच है क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे, सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा, हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी।